फ्रेंड्स से देख सकते हो सुबह सुबह अंजलि रो रही है थोड़ा थोड़ा, दिखाना अंजलि चेहरा तो दिखा दो प्लीज। हो रही है चोट लग गया हाथ में ना, कोई बात नहीं। उड़ जा चल। फिर से नाराज। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग के बजने वाले हैं 6:30 और अंजलि नाराज हो गई सुबह सुबह बिकॉज उसके ना हाथ में चोट लग गया। अभी वो हाथ अपना पीछे को इस तरह वो कर रही थी है ना, और दीवार में लग गया चोट, इसलिए वो रो रही है सुबह सुबह, बट ठीक हो जाएगी थोड़ी देर, इतना तो चलता है। अंजलि उठो ना प्लीज, आजा। कोई नहीं, यहाँ लग गई थी चोट, आजा चल चल आजा। अरे बाप रे बाप, सही बताओ अंजलि, मतलब परेशान करने में जो मजा है ना वो कहीं नहीं है, उसको भी परेशान करने में मेरे को बहुत मजा आ रहा है। और इतनी भी ठंड नहीं है, पता नहीं चादर चुदर लेकर के सो रही है इतनी। अंजलि यार कितनी ठंड लगती है तुम्हें? भाई मुझे तो ठंड नहीं लगती, मैं तो आराम से सोता हूँ फैन फुल ऑन करके। तो ये देखो फ्रेंड, ऊपर से आ करके अब ये जमीन पे सोएगी। सो जा अंजलि, है सो जा जमीन पे सो जा, ठीक है लेट जा यहीं पे। नीचे क्यों चली गई वैसे तुम, नीचे क्यों चली गई बोलो ना बेटा, अभी भी तुमको नींद आ रही है, हैं? नीचे यार, नीचे सीरियसली फर्श पे बैठने में ना, ओहो हो कितना ठंडा ठंडा लग रहा है ना। अब से फर्श पे ही बैठ के खाना खाएंगे, ठीक है? अब से हम नीचे ही सोएंगे, हैं? चूहा आएगा रात को तुम्हारे बाल बुल कुतर कुतर के चला जाएगा, और आपके भी बाल लोल कतर के चला जाएगा। अपना क्या, अपना तो कतर के जाएगा तो कटिंग करा लेंगे, तुम्हारा क्या हुआ कालिया? हम भी अच्छा से कटिंग करवा लेंगे, बहुत से कटिंग आते हैं। गुड गुड। बाप रे बाप, कितनी नींद आ रही है अंजलि को अभी तक। अंजलि खाना खुना बनाना है, फ्रेश होना है, जॉब पे जाना है कि नहीं जाना? जाना है, चल छेती फिर। हेलमेट नहीं उतरा अभी तक। इतनी जोर से क्यों मारा तुमने अपने आप को? अरे हेलमेट पहन के तो कैसी लग रही है तू? ओह माय गॉड, एकदम से ये तो भाई जोकर ही लग रही थी। जोकर यू आर बना के मेरे को जोकर, और मुझे जोकर बना रहे हो? हैं तो जोकर है ही नहीं। तो फ्रेंड्स इवनिंग टाइम और हम आ चुके हैं रूम पे अभी, जस्ट अभी पहुंचे हैं। क्यों अभी पहुंचे हैं मनी? और अंजलि तुम कल की तरह फिर से तुम्हें परेशान करूंगा थोड़ा सा। यार मनी जाओ प्लीज। तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, बिकॉज मैं थक गई इनके इंतजार में। ऐसे कर रहा हूँ तो अखियत और बाहर आ रहा है भाई। तो ये अंजलि मेरे लिए रोटी बना रही है अभी इवनिंग में, और मुझे भी कुछ टास्क दिया गया है। बस कर यार, कोरोना डरा देती है पूरा ही हमको तो। सैनिटाइजर कहाँ है? तो रोटी में अगर आई ना, अगर रोटी में छीक। फ्रेंड्स मैं ये बताना चाहता था आप लोगों की, अभी अंजलि मेरे लिए रोटी बना रही है और इसने बोला है कि मुझे खानी है खिचड़ी।
तो भाई बात ये ऐसे डिसाइड हुई है हम दोनों की, और इनको खाना है एक पतीला दूध और रोटी, वो भी सही है। इसको खाना है एक कुकर खिचड़ी, ठीक है। तो भाई उधर देखो, एक कुकर खिचड़ी मैंने बना दिया है, मैंने बना दिया है, और ये मेरे लिए रोटी बना दी। एक पतीला रोटी मैं बना रही हूँ, हाँ। एक पतीला दूध भी मैं गर्म कर रही हूँ। हाँ ठीक, नहीं दूध मैंने गर्म किया है, क्या मजा आ गया, तुमने सिर्फ उतारा है, मैंने अच्छे से दूध को पकाया है। आप तो ये तो बस दूध पकाना, नहीं ये बस दूध पकाना, कुछ नहीं होता, दूध का सिर्फ उबाल आता है, लो जी हो गया दूध गर्म, एकदम कच्चा ही रह जाता है। ठीक है यार, तुम उबाल लो भाई, जितना तुमको उबालना है ना तुम उबाल लो, बस मेरे को रोटी दे दो और अपनी खिचड़ी ठूस लो तुम। और मैंने ना एक कमेंट पढ़ा था, हाँ हा। जिसमें ये लिखा हुआ था क्या मनीष मतलब 50 रुपए के चलते डेली से डेली मार खाता है। एक्चुअली एक्चुअल बात ये नहीं है, 50 रुपए के लिए, हाँ वो पता नहीं मतलब मैसेज आया हुआ था। अच्छा? उस पे हमारे फैंस ने एक अच्छा सा जवाब भी दिया था क्या, बट चलो कुछ बहुत बहुत जितने भी अपने पास वो सारे ही हमें सपोर्ट करते हैं, उसके लिए वेरी 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 थैंक यू सो मच। एंड ये था, हम दोनों ऐसे ही छोटा मोटा होता रहता मार पी, 50 रुपए के लिए और 100 रुपए के, यार हम लोगों में तो चिक चिक चलती रहती है, ठीक है ना, कभी ये मेरे 50 रुपए ले लेते, कभी मैं इसके ले लेता हूँ ना, तो ये तो हमारे लिए नॉर्मल है, नॉर्मल चीज है। और अगर ने कमेंट किया भी है किसी ने तो तुमने सही किया है भाई, एकदम बढ़िया किया, तुमने एक टॉपिक भी दे दिया हम लोगों को कि लोगों को मैं बता सकूं कि हम लोग वही 50-100 रुपए के लिए हम लड़ लेते हैं, ठीक है ना। हमारा अकाउंट जो इतना बड़ा नहीं है और भरा हुआ नहीं है, उसमें अनलिमिटेड पैसे हैं, ठीक है भाई, जीरो होता है हमारा अकाउंट बैलेंस, जीरो है, ठीक है ना। हम जो कमाते हैं खाते हैं और अपने खर्चे पूरे करते हैं, बस इतनी सी छोटी सी लाइफ है हमारी और ऐसे ही चल रही है, बहुत ही अच्छी चल रही है हमारी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सुकून है, ठीक है ना। कभी पैसे कम भी पड़ते हैं, कभी ज्यादा भी हो जाते हैं, तो हम वैसे मैनेज करके चलते हैं। आई थिंक ऐसे ही पूरी दुनिया चलती है, चाहे ज्यादा पैसे हो चाहे कम पैसे हो, ठीक है ना। तो ये अंजलि अभी तड़का लगाने जा रही है एक पतीले कुकर को, किधर गई आज ना। अंजलि को रोटी नहीं खानी थी, ठीक है, और मुझे सिर्फ खानी है, तो पता है इसने कैसी रोटी बनाई है, मैं बता नहीं सकता, इतनी मोटी मोटी रोटियां बनाई है ना, बनाई है ना, तुम्हें खाना नहीं था इसलिए भाई सेल्फिश है भाई, बहुत क्या सच में क्या हो तुम, सेल्फिश नहीं हो तुम, मैं आपकी वाइफ हूँ। बड़ी मजाक था, मजाक था भाई, तो मजाक। तो फ्रेंड्स हमारा खाना पीना तो हो गया है, बट अंजलि ने क्या किया था, मोटी मोटी मेरे लिए रोटी बनाई थी और एक्स्ट्रा बना दी थी, ठीक है, चल चुप रहा, तू चुप रहा, मेरे को बोलने दे। तो मैंने पता क्या किया, मैंने ना इसके लिए खिचड़ी बनाई थी और वो ना मैंने जला डाली, तो भी बेचारी ने जली हुई खिचड़ी खाई। अंजलि कैसा लगा था वैसे? टेस्ट अच्छा लग रहा था, बना बनाया हुआ मिला था, इसीलिए टेस्ट अच्छा लग रहा था मेरी, नहीं यार सीरियसली टेस्ट तो अच्छा, इंसान खाता के ना बोर हो जाता है, जहाँ जाओ खुद के हाथों का यूज करना। बट एक बात है, इंसान ना अपने हाथ का खा करके बोर हो जाता है, बट मैं कभी नहीं बोर होता, मैं अपने हाथ की दाल बना लूँ, राइस और बड़ा कुछ, यार रोटी वगैरह हो गया, मतलब खुद तो रोटी नहीं बनाता, हाथ से बनाते तो मेरे से ज्यादा दाल चावल नहीं खाया जाता। हम अपने घर जाते हैं तो एक छिपा दाल चावल खा लेते हैं, घर पे जाती है तो एक छिपा खाती है, मेरे यहाँ कम खाती है, मेरा पैसा बचा रही है ना, अब पप्पा का पैसा उड़ा रही है, अपना खाना खा के बोर हो जाता है इंसान। बेटा बहुत सो रही है तू। तो मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, जो एक इंस्टेंट खर जाए यार अपनों का प्यार, यार परेशान करती है यार, ब्लॉग नहीं बनाने थे। तो मैं ये कह रहा था आप लोगों को, हाँ मैं ये कह रहा था आप लोगों को कि एक इंसिडेंट अंजलि के साथ और मेरे साथ हुआ था, एक्चुअली गलती से ना मैंने अंजलि से क्वेश्चन कर दिया था, क्या क्वेश्चन था अंजलि, क्या क्वेश्चन था मनी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, भाई इसको तो याद नहीं था उस टाइम, तो ये कंफ्यूज हो गई, बट मुझे याद था तो मैंने आंसर बना के, मैं बहुत चौड़ा हो गया था, इसको तो आता नहीं है, कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं भाई। उसके बाद इसने ना, उसके बाद वाले जो होते हैं ना, ए प्लस बी प्लस पता नहीं क्या क्या वाले, भाई इसने शुरू कर दिया मेरे से पूछना, मेरे को चक्कर आने लग गए कि भाई ये अब ए प्लस बी का तो बता नहीं रही थी, उसके आगे का सारा पूछने लग गई मेरे से, अब मेरे को उसके आगे का कुछ भी याद ही नहीं था भाई, अपनी तो पूंगी बच गई थी। जाओ, हाँ तो पूछे
ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ। ये चीज मेरे साथ हुआ है जब मैं कंप्यूटर क्लास कर रही थी ना, तो टीचर पूछ रहे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ। यार किसी का भी मुंह बनाना होता है तो लोग ए प्लस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही क्यों पूछते हैं? जैसे मैंने पूछ लिया था जी, ऐसा मेरे साथ दो तीन बार पहले, तो मैं तो जवाब दे देती थी, उसके बाद अगला क्वेश्चन अपना खड़ा कर देती थी। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद लोग मुंह बनाते हैं, कुछ लोग जवाब दे देते हैं। तो ये आपने आंखों देखी मतलब कानों सुनी बात, मतलब मेरे साथ तो हुआ है, आप लोगों ने सुना है, तो ये मेरे साथ और अंजलि के साथ हो गया। भाई उस दिन के बाद मैं अंजलि से कुछ नहीं पूछता। भाई पहले मैं थोड़ा थोड़ा जब फोन करता था ना अंजलि को, जब भी अपने घर पे होती थी, इंग्लिश में हेलो हाय की में मतलब ना हाउ आर यू की कर रहे, मतलब व्हाट आर यू डूइंग समथिंग है ऐसे करके बोलता था, है ना, बड़ा रोब मारता था मैं अंजलि पे, ठीक है। बट भाई एक दिन ने इसने इंग्लिश में चैटिंग करनी शुरू कर दी, इतनी लंबी लंबी इंग्लिश में चैटिंग कर रही थी ना, मैं तो हेलो हाय गुड मॉर्निंग पे था और इतनी लंबी लंबी पता नहीं कहाँ से कॉपी पेस्ट कर रही थी या क्या कर रही थी। मैं कुछ नहीं कर रही थी, इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन मैंने किया था, इंग्लिश क्लास ज्वाइन कर किया था, इसमें याद करती थी तो वो आप पे ट्राई मारती थी। भाई ट्राई मारती थी, मैं कंफ्यूज हो जाता था, मेरे को चक्कर आने लगता था कि ये क्या लिख करके भेज रही और मैं क्या आंसर। अरे एक दिन तो आप एक वर्ड के पीछे तो रात में पड़ गए थे पीछे। अंजलि प्लीज मुझे बताओ, प्लीज बताओ, और एक वर्ड बस ई और ए का डिफरेंस था, गलती से मैंने ई टाइप कर दिया, वहाँ ए करना था, क्या था? इंडिपेंडेंट नहीं, कुछ मुझे याद नहीं आ रहा। चल नहीं आ रहा तो छोड़ दे, इस टॉपिक पे हुई थी बात, बट हुई थी क्या बात? तो मैं प्लस बी का होल स्क्वायर भी भूल गया, पर इंग्लिश में तो छोड़ो, मैं अब भोजपुरी में हम बतिया ही लेकर से, हिंदी इंग्लिश हम सब भोर पर आ गई। नहीं नहीं बोलो बोलो, तुम भी भोजपुरी बोल रही थी, बोलो। हम बतिया भोजपुरी में। अंजलि भी बहुत डरावनी लग रही है इस, मतलब लेटी हुई है, बाल इसके चुड़ैल की तरह पीछे लटक रहे थे। ए, मनी, सच्ची में अच्छे बाल को भाई, अगर रात को मैंने देख दुख लिया तो मैं तो उधर ही भाई गेत गुट मतलब की तोड़ ताड़ के मैं तो भाग जाऊंगा। हाँ बैठ गई। और कुछ पूछना? पूछ लो कैमरे पे, पूछ लो मेरे से कोई क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग करते हैं खत्म, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एक लाइक और एक कमेंट और एक शेयर कर देना, ठीक है? इससे पहले ये मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछने लगे, आप लोग प्लीज मेरे को बाय कर दो, एक शेयर लाइक कमेंट अच्छा लग रहा हो तो। मैं बाय लोग, मैं जा रहा हूँ।